أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students of BS English and Botany this is our lecture number 3 हम last lecture में output devices के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको display screen या display devices के बारे में कुछ features बताए थे आज इन्हीं devices को continue रखते हुए हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास किस तरह के और कितनी टाइप्स के डिस्प्ले अवेलेबल हैं और कौन से डिस्प्ले स्क्रीन्स कैसे वर्क करते हैं और कौन से अब यूज़ हो रहे हैं और कौन से पहले यूज़ हुआ करते थे। ये लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे आज के जदीद ऐसी डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में भी बताऊँगा जिनके बारे में शायद आपको पहले मालूम ना हो। एक ऐसी चीज़ें जिनको फ्यूचर में यूज़ करके दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई जा सकती हैं, जिसको यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स लाई जा सकती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी मैं आज आपको इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास मोनीटर्स होते हैं उनकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। मोनीटर्स जो हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक होते हैं CRT मॉनिटर्स और दूसरे होते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो इनके बारे में डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे CRT मॉनिटर्स की। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, ये तस्वीर में आपको एक बड़ा सा टीवी सा नजर आ रहा है। ये जो इसको आप टीवी कह लें, टीवी ये बेसिकली इसको आप मॉनिटर कहते हैं और ये अब ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह के अक्सर आप लोगों ने पहले दौर के कंप्यूटर्स के साथ या आपने पुराने सरकारी ऑफिसेज के अंदर या कहीं भी या शायद आपके घर में भी ये चीज़ मौजूद हो। ये बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे ब्लैक एंड वाइट, और इस तरह के कंप्यूटर के साथ बड़े बड़े डिस्प्ले मोनीटर्स यूज होते थे। तो इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं CRT। अब CRT क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। अब सी कैथोड का मतलब है, ये आगे मैं समझाता हूँ, रे का क्या मतलब है और ट्यूब का क्या मतलब है। तो इस टीवी के अंदर एक ग्लास की शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है और उस शीशे की ट्यूब के अंदर एक कैथोड एक मटीरियल होता है जिसको जब हम करंट देते हैं तो वो मटीरियल इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जाके आगे स्क्रीन के ऊपर जैसे ही टकराते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बनता है, एक तस्वीर बनती है जो हम देख पाते हैं। इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। अगर हम ये मॉनिटर या इस टीवी को तोड़ें, इसको खोलें, तो इसके अंदर से कुछ इस तरह के सर्किट्स निकलते हैं। बेसिकली इसके अंदर एक ये ट्यूब लगी हुई है यहाँ पे, इसी को CRT कहते हैं, यहाँ पे मौजूद होती है। अगर वाजे करके आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे ये ट्यूब मौजूद होती है, इसको CRT कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब। और ये वो एरिया होता है जहाँ पे हमें तस्वीर नजर आती है। इसी चीज़ को यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। डायग्राम के अंदर इसकी वर्किंग बताई गई है। ये एक शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है पूरी मुकम्मल, ये ग्लास की शीशे की बनी हुई ट्यूब है और यहाँ पे इसकी इस जगह पे ये कैथोड लगे होते हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन यानी ये जो इलेक्ट्रॉन गन होती है, ये इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली फायरिंग करती है इलेक्ट्रॉन्स की और इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे एक रे की फॉर्म दी जाती है, एक बीम की फॉर्म दी जाती है, ऐसे कि रे बन जाती है और इस रे को आगे मुख्तलिफ एनोड्स और मुख्तलिफ मटीरियल्स के जरिए से इस रे को यहाँ से आगे ट्यूब से आगे की तरफ फेंका जाता है और उसके आगे आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की चीज़ नज़र आ रही है, ये सरफेस बेसिकली, ये ग्रीन सरफेस आपके पास जो आपको सामने से शीशे की बनी हुई स्क्रीन नज़र आती है ये वो है। और इस पे आपको ये जो डॉट नज़र आ रहा है बेसिकली, ये देखें, ये रे यहाँ से डिफ्लेक्ट होके यहाँ से मुड़ के यहाँ पर जाके जैसे ये फोकस कर रही है तो यहाँ पर एक डॉट बन गया। तो ये जो रे यहाँ से फायरिंग करती हुई बीम जाती है, ये बीम बड़ी तेज़ी के साथ ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी स्क्रीन के ऊपर फैलती है बड़ी तेज़ी के साथ। ये यहाँ पे एक सेकंड में तकरीबन जो है ये
50 से 60 बार यहाँ पे पूरी स्क्रीन के ऊपर घूम जाती है और ये इतनी तेजी से स्क्रीन के ऊपर टकरा रही होती है, रोशनी पैदा कर रही होती है कि हमें फील ही नहीं होता और हमें वहाँ पे तस्वीर नजर आती है। तो ये इसकी सारी जो है वर्किंग है, डिटेल है, इसको आगे मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। मेन मेन बात मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि सीआरटी, बेसिकली इसको सीआरटी क्यों कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब। अगर आपने पुरानी टेलीविजन यूज की हो ब्लैक एंड वाइट और आपको केबल की बजाय आपने अगर एंटीना यूज किया हो, जब आपकी टीवी खराब हो, एंटीना खराब हो जाए तो आप छत पे चढ़ के एंटीना ठीक करते हैं, तो जब एंटीना खराब हो या आपकी वो एंटीना वाली लीड टीवी में ना लगी हो, तो वहां पे आपको डॉट डॉट से नजर आते हैं, स्पॉट्स से नजर आते हैं और साथ में नॉइज भी आता है। तो बेसिकली वो स्पॉट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पीछे से सिग्नल ना मिलने की वजह से जस्ट आपको उधर स्क्रीन के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन शो हो रहे होते हैं। हम बढ़ते हैं इसको, अगर आपने डिफाइन करना हो, एक्सप्लेन करना हो, यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम ली है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, सी स्टैंड फॉर कैथोड। ये कैथोड इलेक्ट्रॉन बीम्स फायर कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को फायर कर रही है। इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहां से ये फायरिंग जो है, आगे एक एनोड लगा हुआ है, एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और इसकी स्पीड बढ़ाता है और इसको आगे फेंक देता है। आगे इसके प्लेट्स लगी होती हैं और ये जो प्लेट्स होती हैं इस बीम को ऊपर नीचे और दाएं बाएं इस तरफ को ऐसे ये डिफ्लेक्ट करती हैं, ऐसे मूव करवाती हैं, और इसकी मूवमेंट से आगे यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होती है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन इसे कहते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर एक पाउडर या एक मटेरियल लगा होता है, उस मटेरियल को कहते हैं फास्फर। यानी ये स्क्रीन जो है कोटेड होती है, इस स्क्रीन के ऊपर एक मटेरियल को कोट किया जाता है, उस मटेरियल को कहते हैं फास्फर। अब फास्फर एक ऐसा मटेरियल है जिस पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम आके टकराती है तो वो मटेरियल वहां पे ब्राइट हो जाता है और वहां पे एक पिक्सल बन जाता है और स्क्रीन के ऊपर हमें एक तस्वीर सी बनाकर दिखा देता है। तो इसके अंदर जो इमेज होता है सीआरटी के अंदर, डिस्प्ले इज क्रिएटेड बाय फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के बैक से इलेक्ट्रॉन्स की फायरिंग की जाती है और ये जो फायरिंग है ये कहाँ तक की है, टू फास्फरस लोकेटेड टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ डिस्प्ले। ये फास्फर यहाँ पे डिस्प्ले के बिल्कुल फ्रंट पे, यहाँ पे वो फास्फर मटेरियल मौजूद होता है, यहाँ पे ये जाके इलेक्ट्रॉन बीम फायर होके यहाँ पे जाके टकराती है और जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे टकराती है तो यहाँ पे इमेजेस क्रिएट होते हैं जिनको हम बाद में देख सकते हैं। वंस द इलेक्ट्रॉन हिट द फास्फरस दे लाइट अप एंड आर प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। जैसे ही एक बार इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्फर को हिट करते हैं तो वो फास्फर वहां पे लाइट अप हो जाता है, लाइट अप मीन वहां पे वो रोशन हो जाता है, वहां पे वो जो मटेरियल होता है एंड आर प्रोजेक्टेड, और फिर उसको स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है और बाद में हमें वो एक चीज़ एक वीडियो की शक्ल में, एक तस्वीर की शक्ल में नजर आती है। तो दो तरह के होते हैं, एक कलर होते हैं और एक ब्लैक एंड व्हाइट मोनिटर होते हैं। जो कलर मॉनिटर होते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, उसके पीछे थ्री इलेक्ट्रॉन गन्स यूज होती हैं जिनमें रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट निकलती है, उन्हें हम RGB कहते हैं। तो वो जो हमारे कलर मॉनिटर्स होते हैं, कलर मॉनिटर्स के अंदर थ्री इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं जो कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के सिग्नल्स को जनरेट करवाती हैं और उन सिग्नल्स को फिर बाद में स्क्रीन के ऊपर मिलाकर हमें मुख्तलिफ हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में रंग देखने को मिलते हैं। तो ये कहानी है, वर्किंग है CRT मॉनिटर्स की। अभी हम इसके कुछ नुकसानात की बात करते हैं। ये शुरू शुरू में मॉनिटर्स तो यूज़ तो होते थे बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं? सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज था या ड्रॉबैक था वो ये था कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जो कैथोड होता है उस कैथोड को इलेक्ट्रॉन फायर करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। तो ये जो मोनिटर्स होते थे या अब भी जहाँ भी यूज़ होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट को, बहुत ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करते हैं, पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा इसमें कंज्यूम होती है। दूसरा, ये साइज जो होता है इनका बहुत ज्यादा होता है, लार्ज होते हैं साइज में, सीआरटी की वजह से
इनका साइज काफी बड़ा रखना पड़ता है, और जैसे साइज इनका बड़ा होता है तो जाहिर बात है इस हिसाब से इनका जो वेट होता है वो भी काफी ज्यादा होता है, तो ये वेट में भी काफी ज्यादा हैवी होते हैं, आप इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर डिसएडवांटेज है कि ये ट्रांसमिट करते हैं हार्मफुल रेडिएशंस, यानी जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बीम अभी मैंने जो आपको पढ़ाई है स्क्रीन पर टकराती है, तो कुछ बीम्स जो है वो स्क्रीन पर टकराने के बाद वहां से बाहर भी निकल जाती हैं, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं सामने बैठे हुए इंसान के आंखों पर और दिमाग पर जो उसको देख रहे होते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में जो टीवी होते थे उनको देखने के लिए अक्सर कहा जाता था कि टीवी को करीब से बैठकर मत देखें, दूर बैठकर देखें ताकि जो है आपकी नज़र ख़राब ना हो। उसकी जो असल रीज़न है वो यही है कि इसके अंदर से ये हार्मफुल रेडिएशंस ट्रांसमिट होती हैं, तो इसको बड़े एक फासले से यूज़ किया जाता है, या जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वो इसके आगे स्पेशल किस्म का एक मिरर यूज़ करते हैं जो इन बीम्स को वहाँ पर रोक लेते हैं। तो अब शायद ही आपको कहीं पे ऐसे सीआरटी नजर आएंगे, ये बिल्कुल अब तकरीबन खत्म हो चुके हैं, इनकी जगह पे बहुत ज्यादा एडवांस डिस्प्ले आ चुके हैं। अब हम इससे आगे दूसरे डिस्प्ले की बात करेंगे जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले सीआरटी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते, बल्कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो साइज़ है इनका कम हो जाता है काफ़ी, और दूसरा इनकी जो थिकनेस है वो काफ़ी कम होती है, बहुत ही बारीक किस्म के ये डिस्प्ले होते हैं, थिन होते हैं। इसमें जो बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, यहाँ डायग्राम से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इसमें बेसिकली दो प्लेट्स यूज़ की जाती हैं, जैसा कि ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये ग्लास और प्लास्टिक की प्लेट्स यूज़ की जाती हैं। इन प्लेट्स के अंदर ये खूबी होती है कि ये लाइट को डिस्प्ले कर सकती हैं। इनके दरमियान में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल रखे जाते हैं और वो मटेरियल्स किसी भी तरह से उनको एक्टिवेट किया जाता है, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्टिवेट होकर स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। तो वो मटेरियल आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से यूज़ होते हैं और वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं। यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इस डायग्राम के मुताबिक फ्लैट पैनल डिस्प्ले, हमारे पास एक टेलीविजन मॉनिटर और द अदर डिस्प्ले अप्लाइंस दैट यूजेस अ थिन पैनल डिज़ाइन इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल कैथोड रे ट्यूब सीआरटी डिज़ाइन। जो हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं, ये टेलीविजन होते हैं, इनके अंदर जो डिज़ाइन यूज होता है वो डिज़ाइन बेसिकली एक थिन पैनल डिज़ाइन होता है, बजाय इसके कि उसमें सीआरटी का डिज़ाइन यूज किया जाए, बड़े बड़े मॉनिटर बनाए जाए, ऐसा डिज़ाइन इसमें नहीं यूज होता। दिस स्क्रीन्स आर मच लाइटर एंड थिनर, ये जो स्क्रीन होती हैं बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं और बहुत ज़्यादा थिनर होती हैं, एंड कैन बी मच मोर पोर्टेबल देन ट्रेडिशनल टेलीविजन्स एंड मॉनिटर। जो पोर्टेबिलिटी है इनकी, आप इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और इनकी जो रेजोल्यूशन होती है, क्वालिटी होती है, वो ओल्डर मॉडल से कई गुना हायर होती है। इसमें LCD टेक्नोलॉजी यूज होती है और LED टेक्नोलॉजी यूज होती है। LCD स्टैंड्स फॉर होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड LED लाइट एमिटिंग डायोड। अब LCD आप यूज़ करते हैं, आपके घर में भी यूज़ होती है, आप जो वॉल पर हैंग कर लेते हैं या फिर वैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं वो भी LCD है, और आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्क्रीन आपको नज़र आती है वो भी एक LCD टेक्नोलॉजी है। अगर ये LCD टेक्नोलॉजी या फ्लैट पैनल ना होता तो आपका मोबाइल भी फिर मोनिटर की तरह ही बड़ा सा मोबाइल होता, और फिर आपको साथ कैरी करने की बजाय घर पे ही उसको रख के PTCL की तरह यूज़ करते। तो इसमें जो कैलकुलेटर्स हैं उनके अंदर भी जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है, वो छोटी सी जो डिस्प्ले होती है वो भी LCD या फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो डिजिटल घड़ियाँ होती हैं, डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, इनके अंदर भी जो डिस्प्ले यूज़ होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या फ्लैट पैनल डिस्प्ले आप कह सकते हैं वो यूज़ होता है। माइक्रोवेव ओवंस में, मतलब मुख्तलिफ जो आपके पास ATM मशीन्स हैं, तो अगर मैं भी पढ़ने बैठ जाऊं तो हमारे 5-6 लेक्चर सिर्फ इसी में गुजर जाएंगे गिनने में कि कितनी डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, तो वो आप खुद सर्च कर सकते हैं।
और इसके बारे में अच्छी तरह आप जान सकते हैं। तो अभी हम इस फ्लैट पैनल डिस्प्ले के बारे में आगे, ये जो मैंने अभी दो नाम पढ़े हैं एलसीडी टेक्नोलॉजी एंड एलईडी टेक्नोलॉजी, इनके अंदर के कैसे ये वर्क करता है इसको देखते हैं। जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है एलसीडी होती है, ये बेसिकली यूज करती है दो ग्लास प्लेट्स को और इसके दरमियान में एक लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल होता है। और ये जो लिक्विड होता है क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये, मतलब दो तरह से ये लिक्विड भी बन जाते हैं और ये सॉलिड भी बन जाते हैं। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं प्लेट्स के दरमियान में, ये लाइट्स को या तो पास करते हैं या फिर ब्लॉक करते हैं। यानी ये आप समझ लें कि हमारे पास एक प्लेट है और ये हमारे पास सेकंड प्लेट है। तो ये जो फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, इसके दरमियान में हम कह देते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल वगैरह है वो एक लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल है और एक प्लेट से हम एक लाइट को इन करवाते हैं। अब ये जो लाइट है यहां से इन हो रही है इस डायरेक्शन से। अब इस लाइट को ये जो क्रिस्टल्स हैं इनकी अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से की जाती है कि सम टाइम ये क्रिस्टल्स इस लाइट को यहां पे ही रोक लेते हैं एंड सम टाइम इस लाइट को यहां से बाहर जाने देते हैं। जब ये क्रिस्टल यहां से लाइट को पास करते हैं, अलाउ करते हैं, तो ये लाइट जाकर यहां पे ये सेकंड प्लेट के ऊपर जाके टकराती है और यहां पे जो जो पिक्सल होते हैं वहां पे वो पिक्सल लाइट अप हो जाते हैं, वो पिक्सल रोशन हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं और उनके ऑन होने से स्क्रीन के ऊपर हमें एक तस्वीर या इमेज या वीडियो जो है वो नजर आती है। जब यहां पे लाइट ब्लॉक हो जाती है तो यहां पे कोई पिक्सल लाइट अप नहीं होता, तो सारे पिक्सल्स डार्क रहते हैं, तो यहां पे कोई इमेज वगैरह जो है वो नहीं बनता। और इसके बैक साइड पे यहां पे जो जहां से लाइट फेंकी जा रही है ये इस प्लेट के ऊपर, ये इसको हम हॉरिजेंटल प्लेट कहते हैं। तो इस प्लेट के ऊपर ये जो लाइट फेंकी जाती है बेसिकली ये एक लैंप होता है, उस लैंप के थ्रू इसके ऊपर ये लाइट फेंकी जाती है और जो पिक्सल होते हैं स्क्रीन के ऊपर वो लाइट अप होते हैं, वो रोशन होते हैं मुख्तलिफ सीक्वेंसेस के अंदर और आरजीबी यूज करते हैं और उससे हमारे पास जो कलर आउटपुट है वो जनरेट होती है। इस चीज को मजीद अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक वीडियो मेरे पास मौजूद है उससे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा साइड पे ले जाता हूं और यहां से मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में इस वीडियो के अंदर समझाता हूं। इस शॉर्ट सी छोटी सी एनिमेशन के अंदर आपको इसकी सारी समझ आ जाएगी। फंक्शनिमेंटो दियोना पंताला एलसीडी। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो आपको एक व्यू दिखाया जा रहा है, बेसिकली ये आपको देखें दो प्लेट्स नजर आ रहे हैं और दरमियान में जो आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल्स हैं और ऊपर यहां से इसको, इन प्लेट्स को एक चार्ज दिया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये इन क्रिस्टल्स की अलाइनमेंट को चेंज करता है। अब पहले से बाय डिफॉल्ट क्रिस्टल्स की जो अलाइनमेंट होती है वो इस तरीके से होती है जैसे अभी आपको यहां पे नजर आ रहे हैं और यहां से आहिस्ता आहिस्ता इनकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है और यहां पे जाकर फाइनली इनकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। यहां पे आपको एक प्लेट नजर आ रही है और यहां पे आपको ये दूसरी प्लेट नजर आ रही है। इस प्लेट से लाइट इन होती है और इस प्लेट पे लाइट जाके टकराती है और इस लाइट पे जो हमारे पास प्लेट पे लाइट टकराएगी उससे हमें वहां पे जो पिक्सल मौजूद होगा वो पिक्सल या तो ऑन होगा या फिर वो पिक्सल ऑफ होगा। अब यहां पे ये एक लाइट सोर्स है, लैंप है, यहां से ये एक लाइट आ रही है और लाइट की जो है वो स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये जो फर्स्ट प्लेट है आपको नजर आ रही है ये बेसिकली एक हॉरिजेंटल प्लेट है। यहां पे देखें ये हॉरिजेंटल प्लेट है तो लाइट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये जैसे इस प्लेट पे आती है तो ये प्लेट इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले आती है, मतलब जैसे इस प्लेट से सिग्नल लाइट पास होती है वो लाइट ये शक्ल इख्तियार कर लेती है और ये क्रिस्टल्स में से पास होती जाती है और क्रिस्टल्स इस लाइट की देखें वर्टिकल कर दिया क्रिस्टल्स ने इसको। जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइट आ रही थी वो इन क्रिस्टल्स को शेप को फॉलो करते हुए यहाँ पे लाइट चेंज हो गई और यहाँ पे ये वर्टिकली इस स्क्रीन के ऊपर इस प्लेट पे जाके टकराई है। तो ये समझ लें कि ये एक पिक्सल को बहुत बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये देखें ये पिक्सल ऑन हो गया है और जैसे ये पिक्सल ऑन हुआ है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आगे ये जो है हमें स्क्रीन के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन दिखाएगा। अब इसी को अगर यहां से वोल्टेज दे देते हैं
तो वोल्टेज देने से अब ये जहां पे देखें ये क्रिस्टल्स बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, इनकी डायरेक्शन अलाइनमेंट खराब हो गई है, मतलब ये पहले वाली अलाइनमेंट में नहीं रहे, सब अब वर्टिकल हो गए हैं। अब जैसे यहां से लाइट सोर्स पास हो रहा है तो ये देखें लाइट ऐसे ही पास हो रही है और ये लाइट क्रिस्टल्स में से ऐसे गुजरती हुई इस पे आ रही है। तो ये देखें ये जो प्लेट है ये प्लेट सिर्फ उस लाइट को अलाउ करेगी जो वर्टिकली आएगी, इस पर जो हॉरिजेंटल लाइट आएगी इसको ये यहाँ पे अलाउ नहीं करेगी। और ये देखें यहाँ पे ये पिक्सल रोशन नहीं हुआ, फुल रोशन नहीं हुआ, थोड़ा सा फर्क पड़ा, बट ये यहाँ पे पिक्सल लाइट अप नहीं हुआ। तो इसका मतलब है पिक्सल लाइट अप नहीं हुआ तो कोई इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हुई। अब इसी तरह से ये एक पिक्सल को ये दिखाया जा रहा है कि ये आपके सामने एक पिक्सल है और हर एक पिक्सल को 3 कलर्स के अंदर जोड़ा जाता है RGB। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे इस रो में देखें तो ये पिक्सल ऑन है, ये ऑन है, ये वाला ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है। तो ये आप देखें मुख्तलिफ रैंडम तरतीब से ये पिक्सल्स ऑन ऑफ हो रहे हैं और इनके ऑन ऑफ होने से ये देखें हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले बनता है। तो हर एक पिक्सल को 3 कलर्स में रेड, ग्रीन एंड ब्लू में कन्वर्ट किया जाता है और ये पिक्सल्स आपस में मिलकर मुख्तलिफ कलर्स बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास एक पिक्सल है, ये देखें आप इसमें आप ये बहुत सारे पिक्सल मिल गए। अब ये ऐसे लाखों की तादाद में ऐसे अब ये पिक्सल मिलते जाएंगे। अभी ये इसको ना थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जूम करके दिखाया गया था, अब ये देखें ये पिक्सल मिल गए और अभी ये इंफॉर्मेशन बन गई। अब इसके मजीद ये पिक्सल्स मिलते जाते हैं और ये देखें ये पिक्सल्स अब मिलते जाते हैं और ये देखें आपके सामने आपको अब पिक्सल्स नजर आ रहे, लाइन नजर आ रही हैं। आप ये देखें जब मजीद वो पिक्सल तो ये लाइंस भी आपको नजर नहीं आ रही और आपको बिल्कुल एक फ्लैट डिस्प्ले सा नजर आ गया है जैसे आपकी LCD में होता है, इंफॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास वर्किंग है LCD की, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की। तो ये वर्किंग होती है LCD की, इस वजह से इसे हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, ये इसकी वर्किंग है। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करता, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप इसको वीडियो को बैक करके दोबारा से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अभी हम वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो इसके बाद जो दूसरी टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है LED। LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें लैम्प की बजाय विद लैम्प जो है वो जो अभी हम यूज कर रहे थे लैम्प को यूज किए बगैर इसमें LEDs लाइट एमिटिंग डायोड्स एक हमारे पास डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उनको यूज किया जाता है फॉर द बैक लाइट। और इसकी भी वही सेम वर्किंग है, इसके अंदर भी क्रिस्टल होते हैं, इसके अंदर भी वही दो प्लेट्स होती हैं, बट जो बैक लाइट सोर्स है वो लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और LCD और LED में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है कि LCD के अंदर आप बिल्कुल सामने से उसको देख सकते हैं, साइड से अगर आप देखें तो उसमें आपको शेडो नजर आएंगे, आपको पिक्चर क्लियर नजर नहीं आएगी, जबकि LED के अंदर आपको जो पिक्चर नजर आएगी वो बिल्कुल क्लियर होगी। आप सामने से भी देख सकते हैं, दूसरी राइट साइड से भी देख सकते हैं, मतलब 3D थर्ड डायमेंशनल उसको कर सकते हैं, आप 3D व्यू उसमें आप देख सकते हैं। तो ये फर्क है LCD का और LED का। अब आजकल हमारे ज्यादातर जो यूज हो रही है वो LEDs यूज हो रही है, लैपटॉप स्क्रीन में भी यूज हो रही है, घरों के अंदर भी हम इनको यूज कर रहे हैं और बहुत सारी जगह पे इनका यूज जो है वो कॉमन है। इसके बाद आते हैं गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। ये थोड़े स्पेशल किस्म के डिस्प्ले होते हैं, इनके अंदर भी प्लेट्स होती हैं और इनके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसके अंदर एक खास किस्म की गैस भरी जाती है, उस गैस को नियॉन गैस कहते हैं। नियॉन गैस जो है इन प्लेट्स के दरमियान अपना वर्क करती है और इन प्लेट्स को जैसे ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करते हैं, इन इलेक्ट्रिक प्लेट्स के अंदर ये कंडक्टिव प्लेट्स होती हैं, तो ये चार्ज को रिसीव करके, इलेक्ट्रिक चार्ज को रिसीव करने से ये प्लेट एक खास किस्म की लाइट एमिट करती हैं और उस लाइट को हम यूज करते हुए स्क्रीन के ऊपर इमेजेस वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। इनको काफ़ी पुरानी जो मॉनिटर्स टेक्नोलॉजी थी उनमें भी यूज़ किया जाता था और आजकल भी इसका यूज़ किया जा रहा है, बट ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा मतलब रेयर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगर आप पिक्चर्स में देखें तो आपको ये जो मॉनिटर नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर हीटर टाइप आग सी वो लगी हुई है, तो बेसिकली ये गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। और ये जो आपको एक बहुत ही बारीक सी थिन सी LCD नजर आ रही है ये भी गैस प्लाज्मा को ही यूज कर रही है।
और गैस प्लाज्मा डिस्प्लेस के अंदर थोड़ी सी ये खूबी भी है कि ये थोड़े से मुड़ भी जाते हैं, ये थोड़े से कर्व टाइप भी जो आजकल हमारे पास आ रहे हैं डिस्प्ले, वो गैस प्लाज्मा की वजह से हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वो है वर्चुअल रियलिटी और 3D डिस्प्ले। ये 3D डिस्प्ले एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वीडियो को, किसी भी मंजर को 3D एंगल से देख सकते हैं। और इसके लिए खास किस्म के ग्लासेस यूज होते हैं जिन्हें हम VR ग्लासेस कहते हैं। इसके अंदर आप कोई भी मोबाइल फोन या कोई भी इस तरह की डिवाइस लगा के उसके अंदर जो भी आप वीडियो देखेंगे वो आपको ऐसे नजर आएगा जैसे वो बिल्कुल आपके सामने हकीकत में मौजूद है। अक्सर सिनेमा हाउसेस के अंदर इसका यूज किया जाता है, बहुत सारी जगह पे इसको यूज करते हैं। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो सपोज, तो वो आप मोबाइल इसके अंदर रख के गेम खेलते हुए या मूवी देखते हुए आपको मूवी ऐसे नजर नहीं आएगी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको मूवी ऐसी नजर आएगी जैसे आप बिल्कुल उसको रियल में देख रहे हैं, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने जो है वो चीज़ चल रही है। तो ये हमारे पास 3D टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी मतलब यूज़ हो रही है आजकल, बल्कि ये आजकल यूज़ हो रही है ये भी थोड़ी सी आप पुरानी हो चुकी है। अभी हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि बहुत ही हैरानकुन टेक्नोलॉजी है और बहुत ही एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसके कुछ एप्लीकेशंस मार्केट में आ चुकी हैं और बाकी जो है इसके अंदर एडवांसमेंट और वर्किंग जारी है। और उस टेक्नोलॉजी का नाम है 7D टेक्नोलॉजी और होलोग्राम टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की जो पिक्चर या वीडियो ली जाती है वो 7 एंगल्स से डिफरेंट कैमरास के जरिए उसको कैप्चर किया जाता है और उसको कैप्चर करने के बाद जहां भी उसे डिस्प्ले करना है वो किसी दीवार के ऊपर उसको डिस्प्ले करने की बजाय बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट के अंदर इसे डिस्प्ले किया जाता है। तो जहां भी हम इसको डिस्प्ले करते हैं वहां पे देखने वाले को बिल्कुल ऐसे नजर आता है जैसे वो रियल में सामने है चीज, बिल्कुल होती ये लाइट ही है, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक इंसान है उसकी एक डुप्लीकेट बना के वहां पे आपके सामने उसके दिखा दी जाएगी और आपको ऐसे लगेगा कि ये लाइट नहीं, ये रोशनी नहीं, बल्कि एक रियल में कुछ सिग्नल है। ठीक है, तो ये एक ऐसा व्यू आएगा जैसे बिल्कुल आपके सामने एक रियल में जो है वो ह्यूमन मौजूद है। इसमें काफी सारे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एक, कि यहाँ पे एक टीवी टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा है कि कंपोजिट एक ये वीडियो है, ये वीडियो बना के यहाँ पे वो कंपोजिट वीडियो दिखा रहा है, यहाँ पे एक वीडियो को कैप्चर किया जा रहा है और ये बंदा न्यूयॉर्क में खड़ा है और इसकी वीडियो को यहाँ पे कैप्चर किया जा रहा है और ये जो ये बंदा आप इस तरफ बात कर रहा है और ये जो बंदा खड़ा है ये यहाँ पे चिकागो के अंदर यानी दूसरे सूबे में खड़ा है। यूं समझ लें कि ये बंदा जो है बकर में खड़ा हुआ है और ये बंदा लाहौर में है। अब इसकी अलग से यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और इस बंदे की यहाँ बकर में वीडियो जो है अलग से रिकॉर्ड हो रही है। अब इन दोनों के अब ये यहाँ से अलग एक वो अपनी बात कर रहा है और ये अलग, और इन दोनों को मिक्स करके जो इसका विजन है विजन मिक्स करके यहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जो देखने वाला होगा उसको ऐसे लगेगा भाई जान ये तो बिल्कुल एक ही रूम के अंदर खड़े हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे और आपको ऐसे लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल आमने सामने ही है बल्कि ये एक दूसरे से दूर है। इस टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करें तो इसका ये भी यूज हो सकता है कि एक टीचर एक क्लास रूम में हकीकत में लेक्चर दे रहा हो तो वहां से उसके लेक्चर को रिकॉर्ड करके इस 7D टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं अदर क्लास रूम्स के अंदर सेम टाइम में सेम टीचर का सेम वही मेथड सेम वही लुक सेम वही चीज जो है वो जैसे जैसे वो एक्ट कर रहा है वो दूसरी क्लासेस में भी डिस्प्ले हो जाएगा और वहां पे बैठे हुए तमाम स्टूडेंट्स को ये भी फील नहीं होगा कि ये एक इमेज है या रियल में ह्यूमन जो है वो मौजूद है। तो ये एक बहुत ही हैरानकुन टेक्नोलॉजी है, इसको यूज किया जा रहा है मुख्तलिफ मकासिद के लिए। आगे इसके बहुत सारे वर्ल्ड वाइड शो भी हो चुके हैं, आप यूट्यूब पे जाकर खुद सर्च कर सकते हैं 7D होलोग्राम टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे आपको इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल क्लिप एक दिखा देता हूँ। इस क्लिप के अंदर यहाँ पे एक दुबई के अंदर शो हुआ था इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। इसके अंदर आपको ये जो मनाजिर कुछ नजर आ रहे हैं जहाँ पे देखें लोग, ये जो आपको ये इसमें जानवर से नजर आ रही है बिल्कुल ऐसे लग रहा है ये जानवर इसी जगह पे मौजूद है।
लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे जो आपको ये व्यू नजर आ रहा है, या ये जो अब आपको ये दरिया का व्यू सा नजर आ रहा है, एक्चुअल ये एक वीडियो रिकॉर्डेड है और उस वीडियो को यहाँ पे प्ले किया गया। अब देखें, अब आपको ये जो लोग नजर आ रहे हैं, इन लोगों के अंदर ये चीज ऐसे नजर, अब देखें मछली एक तैरती हुई नजर आ रही है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये रियल के अंदर ये कुछ भी नहीं है, एक रूम है सिंपल सा, बट यहाँ पे एक समंदर से एक मछली के बाहर निकलने की वीडियो को कैप्चर करके यहाँ पे इस होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे यहाँ पे जाहिर किया गया है जैसे ये रियल में यहाँ पे मौजूद है। तो आप इसकी काफ़ी सारी और भी एग्जांपल्स हैं, वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल एक बारिश का सा मंजर क्रिएट हो चुका है। अब ये देखें ये जानवर जो है इस, ये असल में यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये बेसिकली एक रोशनी है। अगर यहाँ पे ये इनको हाथ भी लगाएं तो बेसिकली ये एक लाइट सी होगी, रियलिटी में ये चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। मतलब ये एक ऐसी हैरान कन टेक्नोलॉजी है कि आपकी आंखों के सामने एक चीज़ होगी और आपको ये भी पता होगा कि ये एक लाइट है, फिर भी आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक लाइट है, ये एक रोशनी है या ये कोई ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इंजॉय करते हैं, जापान के अंदर ये शो दिखाया गया था। और तेरी खैर, हाँ जी ये देखिएगा यहाँ पे ये काफ़ी सारे, ये दुबई के अंदर ये दिखाया गया, ये रूम के अंदर हॉल के अंदर बैठे हैं लोग। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इसी फर्श से मछली निकली है और यहाँ पे ये पानी है, और ये जो पानी यहाँ पे नजर आ रहा है ये बेसिकली ये पानी यहाँ इस रूम के अंदर नहीं है, बेसिकली ये एक समंदर से ली गई एक वीडियो है और उसको होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है कि आप खुद भी इस वीडियो के अंदर बिलीव नहीं करेंगे आप कि ये वाकई जो है ये एक वीडियो है या रियलिटी के अंदर ये इसी फर्श से मछली निकली है और पानी भी इसी से निकला और वहाँ पर ही ख़त्म हो गया है। तो ये एक हैरान कन टेक्नोलॉजी है और साइंसदान अभी इस पर मजीद काम कर रहे हैं, और साइंसदान ये भी कर रहे हैं कि इसको 20 से 50 किलोमीटर के एरिया पे भी यूज़ किया जा सके। ये तो फिलहाल एक रूम के अंदर यूज़ की जा रही है, तो जब इसको 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में यूज़ किया जाएगा तो इससे काफ़ी सारे और काम भी किए जा सकेंगे। रोशनी को रोक कर वहाँ पे कहीं पे ये रात का मंजर भी बना के दिखा सकते हैं, कहीं पे खौफनाक जानवरों का मंजर भी दिखा सकते हैं, लोगों को ऐसे फील होगा कि वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा खौफनाक जानवर आ गए हैं, या इस तरह से मतलब कोई भी सीन वो बना सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो दजाल है वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा लोगों को गुमराह करने के लिए। तो इस पे अभी काम मजीद भी हो रहा है और काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशंस मार्केट में आ चुकी हैं। पाकिस्तान में तो फ़िलहाल इसका बहुत ज़्यादा इतना यूज़ नहीं है। हाँ, इसके ज़रिए से एक बंदा जो है वो किसी पूरे हजूम से तकरीर करना चाहता है, यानी एक बंदा है वो बैठा हुआ है चाइना के अंदर और चाइना से उसने यहाँ पे स्पीच अपनी डिस्प्ले करवानी है पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ से उसका इमेज यहाँ पे होलोग्राम के ज़रिए दिखाया जाएगा और यहाँ पे उसकी स्पीच ऐसे नज़र आएगी जैसे वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ही बात कर रहा है। तो इसमें मज़ीद अगर मैं बातें इसकी जारी रखूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम की वीडियो बन जाएगी, तो ये मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ कि आप लोग खुद इस पे रिसर्च करें 7D टेक्नोलॉजी के बारे में। नेट के ऊपर उर्दू में काफ़ी सारी मालूमात मौजूद हैं, बहुत ही हैरान कन इससे मालूमात आपको मिलेंगी। इसको एक असाइनमेंट समझकर आप लोग सर्च करें, वहाँ से देखें, वीडियोस देखें और उनसे आपको जो जो नई बातें मालूम हो उनको पेजेस पे लिखने की बजाय आप बेशक ग्रुप के अंदर या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या फाइंड किया, आप लोगों क्या क्या नई बात पता चली, क्या इसमें हैरान कन बातें पता चली और आपकी इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी नई बात का इसमें इजाफा हुआ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।